जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ वो गारंटीड है कि 30-40% क्वेश्चंस टैकल करेगा ही करेगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से। ये हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज हम लोग टर्म टू डिलीटेड पोर्शंस विद मार्किंग स्कीम देखेंगे क्लास साइंस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, लेकिन इसे हम लोग एंड में करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिलीटेड पोर्शंस थ्योरी पार्ट में एंड डिलीटेड पोर्शन जो प्रैक्टिकल में आप लोगों के कौन कौन से जो पोर्शंस हैं वो डिलीटेड है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइंस सब्जेक्ट कोड जिसका 086 है और यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर से आप लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल से कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है वो देख लीजिए। तो मेटल एंड नॉन मेटल से जो आपके चैप्टर्स डिलीटेड है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को कवर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड यहां पे आ जाता है नोमेन क्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हाइलोजन्स एल्कोहल कीटोजेंस एल्डिहाइड्स एल्केन एल्कीन्स डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंबर्सन ऑक्सीडेशन एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज जो होते हैं वो रिमूव है सॉप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये सब पोर्शंस यूनिट 1 से मेटल एंड नॉन मेटल से ये सब पोर्शंस बिल्कुल डिलीटेड है। ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी करके नहीं जाने हैं, इस चीज का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा। सेकंड हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग से। तो इसमें आप लोगों के जो चैप्टर्स है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं क्या होल चैप्टर क्या है, बिल्कुल भी रिमूव्ड है। ये चैप्टर्स आप लोगों को बिल्कुल भी करके नहीं जाने हैं। तो अब आ जाती है ये चैप्टर में, तो बायो वर्ल्ड ऑफ लिविंग से कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, तो ये है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें आप लोगों को क्या करके नहीं जाना है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है ऑफ इवोल्यूशन ये आप लोगों को नहीं करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 नेचुरल फेनोमेनन यानी कि फिजिक्स चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप लोगों का जो चैप्टर का नेम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आप लोगों को करनी है। और इसमें कौन से चैप्टर आप लोगों को, कौन से यूनिट जो कौन से टॉपिक आप लोगों को नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से जो टॉपिक आपको नहीं करके जाना है वो है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आईज, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये पोर्शन आप लोगों के बिल्कुल नहीं आएंगे, ये पोर्शन डिलीटेड है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट से जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें कौन से चैप्टर डिलीटेड है वो आपको मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पोर्शन आप लोगों के बिल्कुल भी डिलीटेड है इस चैप्टर से। अब लास्ट हम लोगों का जो आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं होल चैप्टर इज डिलीटेड। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप लोगों को बिल्कुल भी करके नहीं जाने हैं। अब यहाँ पे एक चीज है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ देख लिया, दिस चैप्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। लेकिन इसमें भी जो पोर्शन है वो आप लोगों के डिलीटेड है, तो वो क्या डिलीटेड है वो आप देख लीजिए। इंटरनल असेसमेंट में भी कुछ टॉपिक जो है ना वो डिलीटेड है, तो क्या डिलीटेड है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ऑल्टरनेटिव इफ एनी वाटर। तो यही सब आप लोगों के क्या पोर्शन जो है बिल्कुल डिलीटेड है। तो ये जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर किस में आएगा काम, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल से कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे देख लीजिए फाइंडिंग ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होता है वो आप लोगों के डिलीटेड है, किस किस से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथोनिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर एंड डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन से।
ये आप लोगों के क्या है, बिल्कुल ही डिलीटेड है। तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिकली नहीं करना है। सेकंड है आप लोगों का डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। नंबर थ्री, प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ लिप पिल टू सो स्टोमेटा, ये डिलीटेड है, आपको करके नहीं जाने हैं। नंबर फोर्थ, स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इथोनिक एसिड, जिसमें आप लोगों को ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑफ ऑन लिथमस या फिर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब आप लोगों के डिलीटेड है। नंबर फिफ्थ में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन से डिलीटेड है वो है फिफ्थ में, स्टडी ऑफ कंपेरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सिक्स्थ में है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेयरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉइंग कोरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज एंड फॉर्म। मैं ये एक एक करके रीड कर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ वो गारंटीड है कि 30-40% क्वेश्चन टैकल करेगा ही करेगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई जरूर करिएगा।